टप्पो प्रेजेंट सर क्या हुआ बिड़ंगल क्या हुआ बिड़ंगल क्या हुआ बिड़ंगल टप्पू ये क्या है ये जन्माष्टमी में 15 अगस्त का बिल दिया ये रंगीला भाई ने अरे सर 51,000 में सब कुछ हो गया अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात है बहुत ही कम है अरे क्या कम है सिर्फ 51,000 सिर्फ 51,000 हाँ अरे अच्छा हुआ टप्पू तो आ गया ये भिड़े भाई को बोलो ना यार पैसा देने को मैंने तो ये बोला था ना ये सब बजट के ऊपर जाएगा हाँ बिड़ंगल बिल टप्पू तुम कुछ बोलना ही मत क्या बोला था तुमने क्या बोला था बिंदास करो डेकोरेशन खर्चे की चिंता मत करो हा? मैं एक पैसा नहीं देने वाला बीड़ा अंकल मुझे एक बात बताओ आप जब होटल में खाना खाने जाते हो तब मस्त खाना ऑर्डर करते हो पेट भर के खाना खाते हो उसके बाद जब बिल आता है तब आप ये थोड़ी ना बोलते हो नहीं 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 ये बिल तो बहुत है मैं नहीं भरूंगा ऐसा थोड़ी होता है बीड़ा अंकल जितना खाया है उतने का तो बिल भरना पड़ेगा कि नहीं हाँ बिल तो भरना ही पड़ता है और अगर बिल नहीं भरा तो होटल वाले क्या करते पता है ना बर्तन घिसवाते ये गोरिया गोगी ये मुझे ये होटल का फालतू एग्जांपल मत दो समझे ना ये होटल का बिल नहीं है सोसाइटी का बिल है तुम लोग को मालूम भी है सोसाइटी के फंड की अवस्था क्या है सोसाइटी चलती कैसे मालूम है तुम लोग को कुछ नहीं मालूम बस अपने मन के मुताबिक खर्चा कर दिया बस दो बात की एक बात मैं एक पैसा नहीं देने वाला बस हमेशा तुम लोग की वजह से ना सोसाइटी का खर्चा बढ़ जाता है मैं इस बार झुकने वाला नहीं हूँ मैं एक पैसा नहीं देने वाला तुम लोग को अरे पर आप मेरी बात तो सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अरे क्या तुम मुझे क्या सुनाओगे टप्पू सुनाऊंगा तो मैं वो भी तुम्हारे पापा को उसी को फोन करके बोलता हूँ ये पैसा चुकाओ हा? अरे लेकिन भीड़ अंकल मेरे हेलो हाँ जेठालाल भिंडी मास्टर मैं बोल रहा हूँ चंपक हाँ वो जो कोई भी है, है? सॉरी चाचा जी वो क्या है मुझे जरा टप्पू के बारे में बात करनी है टप्पू के बारे में क्या किया टप्पू जेठा कहाँ है उसको फोन दीजिए ना प्लीज जेठा दुकान गया है तो मुझे बता क्या किया टप्पू ने नहीं नहीं चाचा जी आपको बता के मतलब नहीं है मैं जेठा को ही फोन लगा था दुकान पे उसको ही बोलता हूँ कि टप्पू ने क्या किया है मैं तेरे घर आ रहा हूँ ठीक है आइए आइए अच्छा है तुम्हारे दादाजी यहीं आ रहे हैं अब तुम्हारे पापा को ही फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ लेकिन भीड़ हाँ बोल भीड़ जेठालाल तुम्हारे टप्पू का क्या करूँ मैं क्यों क्या हुआ तुम एक काम करो तुम अभी कभी मेरे घर पे आ जाओ अरे ऐसा दुकान छोड़ के अभी कभी नहीं आ सकता भाई ठीक है फिर मैं चाचा जी से ही बात करता हूँ अरे भाई तो बापू जी को क्यों बीच में परेशान कर रहा है बोल बोल क्या हुआ अरे क्या क्या हुआ ये तुम्हारे टप्पू ने जन्माष्टमी में इतना खर्चा करवा दिया सोसाइटी का कि सोसाइटी का फंड खत्म होने में अच्छा फिर तो अभी अभी क्या बजट के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है उसका बिल तुम चुकाओ अरे मैं क्यों चुकाऊं अरे अलग क्या अर्थ है अर्थ आहे समझाओते ये जन्माष्टमी की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी तुमने टप्पू को दी बराबर तभी तुमने मुझे फोन करके बोला था कि देखो जेठालाल मैं ये तैयारी की जिम्मेदारी दे रहा हूँ लेकिन अगर टप्पू ने ज्यादा खर्चा किया तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो तुमको देना पड़ेगा ऐसा बोला था नहीं बोला था अगर हमारी ऐसी बात हुई होती और मैंने हामी भरी होती कि भाई ठीक है चलो अगर टप्पू से कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है तो मैं दे दूंगा तो बराबर है मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे खर्चा देने की लेकिन हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी अचानक तू मुझे फोन करके बोलेगा कि जेठालाल टप्पू ने एक्स्ट्रा खर्चा किया है तो वो तुमको देना पड़ेगा तो ये बात तो बराबर नहीं है ना दोस्त तो अभी अभी क्या तू जाने और टप्पू जाने मेरा क्या लेना देना हेलो 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 जेठालाल हेलो कहा मानूस है तुम बाप बेटा तो बिल्कुल सेम हो सेम तुम दोनों को क्या मजा आता है मुझे परेशान करने में बेड़ंगल पापा को क्यों बीच में ला रहे हो पहले मेरी बात तो सुन लो नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात एक तो सोसाइटी का नुकसान करवा दिया ऊपर से मुझे सुना रहे हो भिंडी मास्टर क्या हुआ क्या किया तुमने चाचा जी आप जानते हैं अभी सोसाइटी में फंक्शन हुआ 15 अगस्त का जन्माष्टमी वो तो सब बढ़िया हुआ ना नहीं वो बढ़िया हुआ लेकिन टप्पू ने फंक्शन में मालूम है कितना खर्चा किया है 51,000 रुपए अरे ऐसे अगर चलता रहा तो सोसाइटी का फंड जीरो हो जाएगा ये तो गलत बात है ना पण भिंडी मास्टर उसमें 15 अगस्त का खर्चा तो तुमने किया था ना 15 अगस्त की जिम्मेदारी तो तेरी थी हाँ 15 अगस्त की जिम्मेदारी मेरी थी वो खर्चा मैंने ही करवाया है लेकिन अच्छा रंगीला जी वो 15 अगस्त का कितना खर्चा हुआ बताना जरा 15 अगस्त का खर्चा 11,000 देखा सिर्फ 11,000 रुपए खर्च किए मैंने और जन्माष्टमी में टप्पू ने 40,000 रुपए का खर्चा किया है इतना खर्चा कोई करता है क्या सोसाइटी का फंड कितना है हम लोग खर्चा कितना कर रहे हैं
अभी टप्पू को पैसे सोच समझ के खर्च करने चाहिए थे कि नहीं? लेकिन नहीं, उसको वैल्यू नहीं है पैसों की, ये गलत बात नहीं है क्या चाचा जी? नहीं, मेरी बात बराबर है टप्पू बेटा, बिना पूछे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए ना। तुझे भिड़े अंकल से एक बार पूछ लेना चाहिए था। दादाजी, मैं भिड़े अंकल को कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खर्चा क्यों और कैसे किया, लेकिन भिड़े अंकल मुझे बोलने नहीं दे रहे। तू बोल, बोल। हाँ भाई बोल, अभी इतना सब कुछ हो गया, अभी क्या सुनाना है सुनाओ। वही तो कह रहा है ना, एक बार सुन तो ले भाई। भिड़े अंकल, मुझे पता था कि जन्माष्टमी में इस बार बहुत ही खर्चा होने वाला है, इसलिए मैंने इसका पहले से बंदोबस्त कर लिया था। कैसा बंदोबस्त? भिड़े अंकल याद कीजिए, जन्माष्टमी के प्रोग्राम पर जगह जगह पर बैनर्स लगे थे कि नहीं? लगे थे कि नहीं? हाँ लगे थे। तो वो सारे बैनर्स किसके थे? स्पॉन्सर्स के थे। मैंने जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए जगह जगह से स्पॉन्सरशिप ली थी, जैसे कि हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोडी अंकल के गराज और दो तीन जगह से स्पॉन्सरशिप ली थी। और ये रहे वो स्पॉन्सरशिप के पैसे, पूरे 60,000 रुपए। ओहो, 60,000? ये लीजिए। 60,000? हाँ। बिल तो 51,000 का ही है। अरे भिड़े अंकल, यही तो टप्पू का कमाल है। हाँ, सोसाइटी को एक भी पैसा देना नहीं पड़ा, ऊपर से 9,000 रुपए का फायदा कराया टप्पू ने। अरे वाह 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 वाह, शाबाश टप्पू, शाबाश। थैंक यू दादाजी। देखा बिल्ली मास्टर, तूने पहले ही टप्पू की बात सुन ली होती तो ये सब होता ही नहीं ना। क्या बिड़ी जी, आप भी टप्पू पर बिना सोचे समझे गुस्सा हो गए। टप्पू तो कितना होशियार है। ओए टप्पू सेना, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया यार। नहीं नहीं रंगीला अंकल, टप्पू सेना ने नहीं, टप्पू ने। सॉरी, एक्चुअली टप्पू इतना बिल देखा ना, मैंने तो एकदम बौखला गया। लेकिन बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा रंगीला जी, ये आपके 51,000 का। शुक्रिया भिड़े जी, टप्पू सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद। भिड़े जी एक बार आप भी बोलिए, टप्पू सेना जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, बोलना तो बनता है, टप्पू सेना जिंदाबाद। थैंक यू। क्यों भिंडी मास्टर, अब तो खुश ना हो गया तेरा हिसाब? हाँ हो गया, हो गया। भिड़ंगल, कैसा लगा आपको आज के जमाने का आइडिया? हमने सोसाइटी का फायदा भी करवाया और सोसाइटी के पैसे भी बचाए और ऊपर से अफलातून प्रोग्राम भी किया। हाँ नहीं अच्छा था। अरे हमारे जमाने में मैं भी क्या 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 भिड़ंगल, मैं तो क्या, आपके जमाने में क्या? हाँ बोलिए ना भिड़े अंकल, आपके जमाने में आप क्या? हाँ भिड़े अंकल बोलिए ना क्या। हमारे जमाने वाली बात मैं तुम लोगों को बताऊं? कुछ किया होगा तो बताएगी ना। क्या 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 बोला बोला? आप आपके जमाने की बात नहीं बता रहे तो हम हमारे जमाने की बात क्यों बताएं? वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा। अरे हमारे जमाने की बात। हाय फ्रेंड्स। अरे हाय, सुनो तू क्या जरूरत है, हिसाब हो गया ना अभी अपना, ठीक है मैं बाद में समझा दूंगा इनको। हेलो हेलो बेटा, हेलो नमस्ते चाचा जी। एक मिनट भिड़े, ला फटाफट 101 रुपए ला। माधवी तुमने अभी नीचे पोपड़ला से 101 रुपए लिए थे? नहीं भिड़े अंकल, आप ही नहीं लिए होंगे, आपको याद नहीं होगा। मैं क्यों लूंगा भाई, अरे लाना भाई, भिड़े बहुत लेट हो रहा है मुझे। अरे लेकिन किस बात की 101 रुपए? अरे तूने बोला था ना मैं पुणे जाऊंगा तो 101 रुपया देगा गाड़ी भाड़े के। अरे भाई गाड़ी भाड़े के पैसे मैं तुझसे क्यों लूंगा, पर 101 रुपए में कौन पुणे जाके वापस आता है, वो सब तेरे जमाने में होता था। अरे तुम्हें किसके लिए चाहिए भाई? अरे भाई मैं पुणे दगड़ूशेठ गणपति के मंदिर जा रहा हूँ स्टोरी कवर करने। मैं पिछली बार गया था तो तूने बोला था ना कि भाई अगली बार जाएगा तो मेरे 101 रुपया चढ़ा देना, इसलिए मांग रहा हूँ।
तो सीधा सीधा बोलो ना, उसके लिए चाहिए। अरे भाई मैं सीधा सीधा ही बोल रहा था, लेकिन दोनों आपस में शुरू हो गए। भाई माजी, तुमने पोपटलाल से पैसा लिया है ना, ये ने वो ला बे ला फटाफट ला, तो खड़ा क्या है, मुझे अभी जाके रात तक वापस भी आना है। मीका बंटे पूरे 3 घंटे ही तो दूर है, तो हम लोग भी जाते हैं ना डब्ल्यूशेट गणपति पापा के दर्शन के लिए। ओहो अप्रतिम आइडिया, क्या बात है पोपटलाल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम तीनों भी तुम्हारे साथ चले। अरे चलो चलो भाई, मजा आएगा, कंपनी रहेगी, चलो। अरे वाह, तो चलो हम सब भी चलते हैं। हाँ, हाँ, चलो चलो, दादाजी हम भी डब्ल्यूशेट गणपति के दर्शन करने चले। हाँ, चलो गणपति पापा के दर्शन करने मिले, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। चलो चलो सब चलो, बहुत मजा आएगा। ओ क्या बात है, सब लोग एक साथ कहाँ जाने की बात कर रहे हो भाई? भाई हम सब पुणे जा रहे हैं। पुणे क्यों? दगड़ूशेठ गणपति के दर्शन करने के लिए। पर तुझे पता है सोड़ी, 1892 में जब अंग्रेजों ने सबके एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगाया था, तब हमारे लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी। उस प्रथा के इस साल 125 साल पूरे हो रहे हैं, और पुणे में विराजमान श्री दगड़ूशेठ गणपति मंदिर के भी 125 साल पूरे हो चुके हैं। 125 साल, मतलब क्या योगे? अच्छा ही पूरे थे, जाना तो है ही। मैं उस पर एक स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ, और ये सब साथ में दर्शन करने आ रहे हैं। अरे वाह, ऐसी जगह जाना तो बिल्कुल बनता है जी। और वैसे भी रोशन डार्लिंग आज कुछ काम से बाहर गई हुई है, और गैरेज में मैं गुल्लू को बोल देता हूँ, वो संभाल लेगा, तो मैं भी साथ में चलता हूँ जी। हाँ चल। अरे लेकिन हम सब इतने सारे लोग जाएंगे कैसे? बच्चों, ये है पुणे का सुप्रसिद्ध श्री दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। बोलो गणपति बाप्पा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे, मेरी यहाँ पर अच्छी पहचान। अरे पोपट बेटा, भगवान के दर्शन करने में किसी के पहचान की क्या जरूरत है? अरे हम लोग ऐसे ही कर लेंगे ना दर्शन। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन क्या है ना, यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना, उन्होंने मुझे खास निमंत्रण दिया है, तो उनको भी मिलना पड़ेगा, वरना उनको बुरा लग जाएगा। हाँ नहीं, ठीक ठीक, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मुझे क्या अपने आर्टिकल के सिलसिले में कुछ फोटोग्राफ्स लेने, वो मैं लेकर आता हूँ, बस अभी आता हूँ, अभी अभी आता हूँ। चाचा जी, मंदिर में काफी भीड़ है। हाँ तो? नहीं मतलब बोल रहा हूँ, काफी भीड़ है तो जरा संभल के रहना। जेठिया का फोन आया था? नहीं नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये चापली लेवा देना है। ओ पिड़ो, ओ फिकर मत कर, अब की बार चाचा जी चाहेंगे भी ना तो खो नहीं पाएंगे। अरे बस बस चाचा जी। हाँ। चलो भाई, चलो चलो चलो, रुको अभी पोपटलाल आने वाला। तुम तो यहाँ से गए थे ना, यहाँ से कैसे आए? अरे भाई वो एंट्री यहाँ से है, एग्जिट यहाँ से है, वो घूम के आना पड़ता है। लेकिन आप लोग यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? चलो लेट हो रहा है। तुमने बोला ना मैं आता हूँ अभी। हाँ चलो चलो। हाँ जी मीका बंटो, अपन दर्शन के लिए और थी ना तो आई ना। सॉरी यार, ये वो सेम टू सेम आशीष भाई ना। अयो हो डिट्टो। अरे डिट्टो, सेम टू सेम, ये सब क्या है? अरे मैं ही हूँ, ओरिजिनल रियल 100%। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे बस यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे हम दोनों नहीं है, गोकुल सोसाइटी भी है, वो देखो यहाँ पे पोपटलाल। हम सब यहाँ पे पोपटलाल की वजह से आए हैं। क्या बात है, वाह वाह, आखिर पोपटलाल को लड़की मिल गई। वाह वाह, कांग्रेचुलेशन, मैं बच गया। नहीं 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 नहीं, लड़की नहीं मिली अभी तक, मेरी शादी नहीं हुई है, वो जिम्मेदारी तो आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अरे पोपटलाल, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान को प्रार्थना भी करते हैं जल्दी जल्दी शादी हो जाए। दरअसल मैं आज श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति मंदिर पे आर्टिकल लिखने यहाँ पर आया हूँ, एक स्टोरी कवर करने आया हूँ, और ये सब मेरे साथ दर्शन करने आए हैं। ओहो, ये तो बहुत दिव्य स्थान है, यहाँ की गणपति की प्रतिमा अलौकिक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो संस्था है ये बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करती है,
गरीब बच्चों को पढ़ाती है, लोगों का ध्यान रखती है, कितना सामाजिक कार्य करती है। इसीलिए तो मैं स्टोरी कवर करने आया हूँ। चलो चलो सब साथ में दर्शन करते हैं। गणपति बप्पा। से कुछ मांगा? मैंने भी मांगा। मैंने ये मांगा कि भगवान जी प्लीज हमारे पोपट भाई की शादी जल्दी से हो जाए। तो क्या कहा पापा ने? वक्त आने पे पता चलेगा। पोपट अंकल, अंजलि आंटी, चलो चलो फोटो खींचते हैं। चलो 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 चलो। ये तो बहुत ही अद्भुत, विशाल और सुंदर मंदिर है। हाँ, हाँ सोनी, मंदिर में दाखिल होते ही हमारे अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। हाँ खरच, पापा के चेहरे पर जो तेज है और प्रतिमा में जो प्रभाव है, उसे देखकर एकदम अभिभूत हो जाते नहीं हम लोग? पोपट अंकल, ये मंदिर बनवाया किसने? ये मंदिर श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई ने बनवाया था। दगड़ू शेठ हलवाई ने ये मंदिर क्यों बनवाया? भाई इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 1892 में जब अंग्रेजों ने हिंदुओं के त्योहारों के समय एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगाया था, तब हमारे लोकप्रिय नेता श्री बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी। उसी साल से यहाँ भी सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है और इस बात के 125 साल पूरे हो रहे हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 81 फीट। मंदिर की ऊंचाई 81 फीट। वाह। और इस मंदिर को बनाया था राजस्थानी कारीगरों ने। Yes. इसलिए इसकी बनावट में राजस्थान की झलक दिखती है। आप लोगों को सब पता है? हाँ पोपट अंकल, आने से पहले हमने इंटरनेट पर सब चेक कर लिया था। मतलब आप लोग मेरी खिंचाई कर रहे थे। लेकिन पोपट अंकल, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, आपको फुल मार्क्स। चलो भाई, गणपति बाप्पा के दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए हैं, अभी घर चले मुंबई। लेकिन जाते जाते कुछ रस्ते में खाएंगे यार। बोलिया, रस्ते का कुछ खाना नहीं चाहिए। अरे भीड़ अंकल, रस्ते का नहीं, रस्ते में कुछ खाएंगे। कुछ होटल आएगा ना बीच में? आ, वैसे हाँ, होटल में खा लेंगे। आज मस्त पकी महाराष्ट्रियन थाली खाएंगे। मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, पूरन पूरी, वरण भात और कोसंबर वड़ी खाएंगे। वाह, बस कर सोनू, बस कर, मुझे मुँह में पानी आ रहा है यार। खाते। चलो एक बार फिर से बोलो, गणपति बाप्पा। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। भाई गोकुल धाम निवासियों के साथ आपने भी घर बैठे पूना के श्रीमंत तगड़ू सेठ हलवाई गणपति के दर्शन कर दिए। गणपति जी से यही प्रार्थना है कि आपके और हमारे जीवन के दुख दूर हो, सारे विघ्न दूर हो। आप हमेशा यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हम आपको यूं ही हंसाते रहे और आप हंसने के लिए देखते रहे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.